हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडर 247 अडर 247 रो ओडिया यूट्यूब चैनल को मु विभूति दास आपन दोस्तों वेलकम करू छी। पिला माने आज हमें 18 नवंबर मींस आज रो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन डिस्कशन करबा। जो करंट अफेयर क्वेश्चंस के तुम्हारा अपकमिंग एग्जाम पे, खास कर यदि हमें ओमास एग्जाम पे नबा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम पे नबा, हमरो ओएस एग्जाम पे नबा किमा ओएसएससी ओत्र पुलिस एग्जाम पे बहुत 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 हेल्पफुल हो। पिला माने फटाफट सेशन को स्टार्ट करिबा, तुम समस्त लिंक को तुम संग मानक से तुम व्हाट्सएप ग्रुप तो टेलीग्राम ग्रुप जोटी भी तुम एक्टिव अछो फटाफट लिंक को टिके शेयर करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच करो। पिला माने आज रो सेशन बहुत बड़ा सेशन हो पाए जाउछ, गुड एग्जाम ओरिएंटेड सेशन हो पाए जाउछ। पिला माने काहे कि ना बहुत सारा क्वेश्चंस तुम पाइबो जड़े कि तुम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तुम आज रो सेशन रे पहुंचो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग रश्मिता, सागर, दीप्तिमयी, सुबोधिनी, सिंघम, आशुतोष, प्रीतिमयी, सागर, ज्योतिर्मयी, देवस्मिता, उषाराणी, सुधीर, सस्मिता, दुलारी, ऑल स्टूडेंट जो माने भी मत लाइव सुनु छ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुधीर, सोनाली प्रधान, सावित्री, श्रद्धा, एपिक गेमिंग वाईटी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। पिला माने फटाफट लिंक को टिके शेयर करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेशन अटैच करो। आज बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नहीं आसी तुम एग्जाम पे बहुत 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 हेल्पफुल हो। पिला माने सेशन को स्टार्ट करबा गोटे बहुत सुंदर मोटिवेशनल थॉट रु, एंड आज रो मोटिवेशनल थॉट तुमान पे रहउची अहंकार, क्रोध ओ लोभ मनीषर प्रधान शत्रु अटे। पिला माने जीवन रे मन रखता, केबे भी अहंकार करनी, क्रोधर वशवर्ती हुअनी किबा लोभर वशवर्ती हुअनी। अहंकार, क्रोध, लोभ तुम जीवन रो बहुत बड़ शत्रु। पिला माने एही शत्रु को केबे भी निज पाखो को आसिया पय दियंतुनी। जदि तुम्हें ये तीनटा शत्रु को निज पाखो को आसिया पय देलो ताहाले तुम्हें कदापि उन्नति करि पारिबनि। पिला माने तुम्हारा अवनति हम उन्नति कर तो जीवन रे अहंकार को, क्रोध को, एंड लोभ को, यही तीन टा शत्रु को केबे भी जीवन को आणतुनि। जदि आणुछ ताले जीवन रे उन्नति केबे करि पारिबनि, तब जीवन रे अवनति ही हम। आशा करिबि मोटिवेशनल थॉट तुमानो बहुत मोटिवेट करथिबो। पिला माने ईच एंड एवरी डे मु तुमानो मोटिवेट करिया पय एंती गोटे मोटिवेशनल थॉट नै गस्थाय, एंड प्रयास जारी रहिछि। पिला माने तुमानो मोटिवेट करिबा एंड तुमानो गोटे सक्सेसफुल पर्सन हिसाब रे देखिबा। ओके, आगो को बढिबा पिला माने, चलो वेरी गुड, बहुत बढिया। पिला माने अडर 247 रो ऐप प्ले स्टोर अवेलेबल अछि, तो प्ले स्टोर रु तुमे समस्त अडर 247 रो ऐप को इंस्टॉल करो, क्लासेस को कंटिन्यू करो पिला माने, एंड टेलीग्राम चैनल रे मध्ये जॉइन करो। ए टेलीग्राम चैनल रे तुमे समस्त अपडेट इन्फॉर्मेशन पाई जिवो, जो अपडेट इन्फॉर्मेशन लाइक हमर डिफरेंट बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर, एंड लाइक हमर डिफरेंट वैकेंसीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पीडीएफ तुमे समस्त टेलीग्राम रे पाई जिवो। पिला माने विभूति प्रभुंकर दर्शन मॉर्निंग रु मिलीगला, दिन भल रहिबो। चलो थैंक यू, बट विभूति प्रभु न तब विभूति भाई। चलो आगो को बढ़िबा पिला माने, यस, एंड अडर 247 ओडिया यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब कर दियो पिला माने। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करिबा, आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस नै के आसे, एंड आशा करबी तुम समस्ते लाइव लास्ट पर्यंत लाइव रहिबो, एंड क्वेश्चन रो आंसर गुडा को कमेंट सेक्शन रे फटाफट दबो पिला माने। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा पाई रहूची, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग पिला माने, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा सोनाली का आज बर्थडे की, अच्छा ठीक अच्छे, हैप्पी बर्थडे सोनाली। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आसला, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू गेट इलेक्टेड टू द एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ओके, तो पिला माने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो जदि कहबा एथलीट्स कमीशन रो, ठीक अछि, हम जदि कहबा मेंबर हिसाब रे की इलेक्टेड छन, who has become the first player from India to get elected as the athletes commission of the international table tennis federation in November 2022, who can say ki koi pare pila mane, very good morning to all, very good morning pila mane, koi pare pila mane, who has become the first player from India to get elected to the athletes commission of international table tennis federation in November 2022। तो पिला माने तुम समस्त मन रखा दरकार, ए क्वेश्चन आंसर होची अचंत शरत कमल। तो स्टार इंडिया तुम जानिछ पिला माने प्लेयर हम कहबा, एंड स्टार इंडियन पेडलर भी हम कहबा, अचंत शरत कमल पिला माने जे कि फास्ट प्लेयर जे कि इलेक्टेड छंती एथलीट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो एथलीट्स कमीशन एज अ मेंबर हिसाब रे कि इलेक्टेड छंती अचंत शरत कमल पिला माने, बुझी परिलो। 8 एथलीट हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशियानिया। पिला माने 8 जन एथलीट, ए जो कॉन्टिनेंट गुडा देखि पड़छ, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप एंड ओशियानिया कॉन्टिनेंट रो पिला माने 8 जन एथलीट कोन आइछन ना इलेक्टेशन पिला माने,
एंड जदि तुम्हें जाणी रखा दरकार सर अचंत शरत कमल जी की इलेक्ट्रिशियन पिलामने तुम्हें समस्त मन रखा दरकार मु तुमको कही क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनी पारे शरत कमल को ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार मिली तुम्हें जाच जड़े ही स्पोर्ट्स पर्सन जी खेलरत्न पुरस्कार पाई से अचंत शरत कमल पिलामने मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार जो कह 1991 स्टार्ट होता है पे स्पोर्ट्स कैटेगोरी खेलरत्न अवार्ड दि जाए तुम जान 1991-92 पे विश्वनाथन आनंद को प्रथम थर पर खेलरत्न पुरस्कार मिलता एंड जदि कह पूर्व राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी द्वारा ना को परिवर्तन कराइला एंड ना परिवर्तन करी कौन कराई ना मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार कराई एंड तुम्हें समस्त कनसेंट्रेट करके दरकार मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार 2022 विनर किए बनी ना अचंत शरत कमल पे डाउट क्लीयर बुझिपार पिलामाने जदी मु इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कथा जदी कहिबी पिलामाने वर्ल्ड टेबल टेनिस रो जदी कहिबा गवर्निंग बॉडी जे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन आसे फाउंडेड हेतला केबे 1926 रे पिलामाने फाउंडेड हेतला हेड क्वार्टर आसले मनरो लुजाने स्विट्जरलैंड रे जार हेड क्वार्टर अछि एंड प्रेसिडेंट आसले मनरो के दरकार सोरलिंग जे कि हम कहिबा पिलामाने पेट्रा सोरलिंग जे कि पिला प्रेसिडेंट अछंती क्लियर एंड हम जदी कह इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेबल टेनिस रे गवर्निंग बॉडी आसे पिलामाने क्लियर पे मैंने जी कह फास्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चंपियनशिप क्या कह फास्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस चंपियनशिप के 1926 रे प्रथम थर पर लंडन ऑर्गेनाइज कराइला तो आशा करी तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चन को मन रख पाने ऑल क्लियर बुझिपार मन रहा पे फास्ट क्वेश्चन क्लियर हो तुम्हें समस्त फटाफट लिंक को सेयार कर एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव रनर को सेसन अटैच कर कहीं आज सेसन तुम एक्जाम बहुत 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 इंपोर्टेंट सेसन हो जाए पे ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन जीवापूर्व पे लिंक को सेयार कर दो तुम्हें समस्त फटाफट लिंक को सेयार कर दिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर को सेसन आज अटैच कर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइव लर्नर जमी सेसन अटैच हे पे क्वेश्चन देख मुझको बार बार कही जो इंपोर्टेंट रहा है आम सेसन डिस्कसन हम तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 26 एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड एज मालाबार 22 कंक्लूडेड इन द सी ऑफ जापान ऑन 15 नवंबर 2022 तो 15 नवंबर 2022 मालाबार एक्सरसाइज कंक्लूडेड कंप्लीट है तो पचारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मालाबार 2022 एक्सरसाइज तो पचारा ये कौ कंट्री मालाबार पार्टिसिपेट करनी पे भितर कौ कंट्री मालाबार पार्टिसिपेट करनी जल्दी कह देखा फास्ट आंसर किए कौन जल्दी कह देखा फास्ट आंसर किए कौन जल्दी कह भितर कौ कंट्री जो मालाबार पार्टिसिपेट कर जल्दी आंसर कह देखिए फास्ट आंसर किए कौन पे तुम जाच मालाबार जो कह गए मल्टी नेशनल एक्सरसाइज आम कह पे ठीक अच्छे तो बायलेटरल ट्राइलेटरल मल्टीनेशनल जो देखिए बायलेटरल दुटा कंट्री ट्राइलेटरल तीन टा कंट्री मल्टीनेशनल जो कह क्लियर मोर देन थ्री कंट्री आसमें कौन कौन ना मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मैं कहते ये तो मालाबार गोटे मल्टीनेशनल मिलिटरी एक्सरसाइज था पे तो मल्टीनेशनल मिलिटरी एक्सरसाइज कौ कौ कंट्री पार्टिसिपेट कर तुम समस्त कनसेंट्रेट कर दरकार जापान पार्टिसिपेट कर इंडिया पार्टिसिपेट करथला ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करथला एंड यूएस पार्टिसिपेट करथला पिला माने तो मालाबार केत नंबर एडिशन थिला 26 एडिशन थिला पिला माने गोटे मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज आम कह पिला माने मालाबार टा ठीक अच्छे एंड जापान रे तुम जान रखा दरकार 15 नवंबर 2022 रे कंक्लूड है पिला माने ऑल क्लियर एंड जदि कह कौ कंट्री पार्टिसिपेट कर नथला ना फ्रांस पार्टिसिपेट कर नथला पिला माने तो आंसर हम आम फ्रांस राइट आंसर हम पिला माने ठीक अच्छे ऑल क्लियर पिला माने वेरी गुड बहुत बड़ा तो आगू को बढ़िया पिला माने पे क्वेश्चन आसला आम का ही व्हाट्सएप कथा एंड मेटा कथा डिस्कशन करते तो क्वेश्चन आसला हुईज बीन अपॉइंटेड इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया तो मेटा रो जदि कहिबा वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से किए इलेक्ट्रिशियन हुईज बीन अपॉइंटेड इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया तो मेटा इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से किए इलेक्ट्रिशियन कैन से देखिए फास्ट आंसर किए कौन हू हैज बीन अपॉइंटेड इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया जल्दी आंसर कह देखिए फास्ट आंसर किए कौन पे हू हैज बीन अपॉइंटेड इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया तो मेटा रो जदि कहिबा मेटा इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से किए इलेक्ट्रिशियन पिला माने वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग पिला माने सुप्रभात एंड अड्डा ओडिया प्लेटफॉर्म को तुम समस्त को वार्म वेलकम पिला माने ओके यस जदि कहिबा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया तो मेटा इंडिया रो भी वाइस प्रेसिडेंट को जदि कहिबी पिला माने तो जानि रखा दरकार क्लियर संध्या देवंतनम मन रखा दरकार देवंतन जे कि पिला माने सॉरी पिला माने संध्या देवनाथन सॉरी पिला माने संध्या देवनाथन ओके संध्या देवनाथन मन देवनाथन क्लियर पे कि मेटा इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से इलेक्ट क्लियर तो मन रखा दरकार संध्या देवनाथन पे सरी प्रोनाउंसिएशन टा तुम मन रखा दरकार देवनाथन वन मिनट मैं हाइलाइट कर रखे टिके पे संध्या देवनाथन जी कि पे
जदि कह मेटा इंडिया जी वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से इलेक्ट होती पिछले जो समस्त मन रखा दरकार द अपॉइंटमेंट मैंने कह संध्या देवनाथ एज ए मेटा इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से संध्या देवनाथ को इलेक्ट कराई पे संध्या देवनाथन जी ग्लोबल बिजनेस लीडर आसटार एंड 22 ईयर रही एक्सपीरियंस अच्छी पे एंड संध्या देवनाथन को कौन कराई मेटार क्लीयर ना मेटा इंडिया हेड हिसाब से अपॉइंट कराई संध्या देवनाथन पे प्रीवियस क्लासेस कही मन देखिए शुणी अभिजित बोस को कथ आसला अभिजित बोस जी व्हाट्सअप हेड थे पे व्हाट्सअप इंडिया जी हेड थे एंड राजीव अग्रवाल जी डायरेक्टर थे पब्लिक पॉलिसी मेटा इंडिया पे जी रिजाइन करते पोस्ट एंड तुम जाणी रखा दरकार जदि कह शिवंत ठुकराल जी डायरेक्टर थे व्हाट्सअप पब्लिक पॉलिसी कमिटी पे तुम समस्त जाने रखा दरकार व्हाट्सअप पब्लिक पॉलिसी इंडिया जी क्लीयर डायरेक्टर थे सी रिजाइन कर तुम मन रखा दरकार पे जी डायरेक्टर हिसाब से अपॉइंट होते पे हेज बीन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ ऑल मेटा ब्रांड इन इंडिया जी ऑल मेटा ब्रांड रही कह पब्लिक पॉलिसी कह डायरेक्टर हिसाब से क्या अपॉइंट कराइला ना शिवनाथ ठुकराल को एंड तुम बार बार कही अभिजित बोस एंड राजीव अग्रवाल जी डायरेक्टर थे पब्लिक पॉलिसी मेटार जी रिजाइन करते एंड शिवनाथ ठुकराल पे कदा भी भूलि जी डायरेक्टर थे व्हाट्सअप पब्लिक पॉलिसी इंडिया कौन एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कराइला पब्लिक पॉलिसी ऑफ ऑल मेटा ब्रांड्स इंडिया जितकी मेटा ब्रांड्स तार डायरेक्टर हिसाब से अपॉइंट कराइला क्या ना आम कह शिवनाथ ठुकराल को पे बुझिपार एंड जदि कह अजित मोहन कथा जी कह अजित मोहन जे कि मेटा हेड थे सी रिजाइन करते अजित मोहन को परे ये जो पोस्ट वैकेंट थिला एंड जदि बर्तमान क्या अपॉइंट कराई ना पे तुम समस्त मन रखा दरकार क्या ना संध्या देवनाथन को अपॉइंट कराई तो आशा करी तुम समस्त परफेक्टली क्वेश्चन को मन रखा दरकार ठीक अच्छे जब क्वेश्चन आसला हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया वाइस प्रेसिडेंट किए बर्तमान अपॉइंट होती संध्या देवनाथन ओके पूर्व अभिजित मोहन थे जी की पे रिजाइन करते एंड बर्तमान जब कह संध्या देवनाथन जी क्लीयर मेटा इंडिया हेड हिसाब से अपॉइंट होती पे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो आशा करी क्वेश्चन को तुम परफेक्टली मन रखिथ ठीक अच्छे अच्छा पे G20 समिट जब कथ कह तो क्वेश्चन कौन आसला कनसेट्रेट कर व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022 क्लियर इंडिया जो G20 प्रेसिडेंसी नब पे इंडिया जो प्रेसिडेंट बन G20 क्लियर ताहले तार थीम कौन रहा पे हू कैन से कहीपर पे व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022 व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन 2022 हू कैन से देखे फर्स्ट आंसर किए कौन पिला तुम मन रखा दरकार ए क्वेश्चन आंसर कौन हम पे ना जब कह इंडिया विल एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी फॉर 1 ईयर एंड तुम जाणी रखा दरकार डिसेंबर 1 तारीख पे इंडिया G20 प्रेसिडेंट हम G20 प्रेसिडेंसी भार ग्रहण कर पे एंड तुम जाणी रखा दरकार जो इंडिया G20 प्रेसिडेंसी भार ग्रहण कर तार थीम कौन रही मीन कह 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर बुझिपार पे तो थीम कौन रही 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर जो कि थीम रही है एंड December 1, 2022 रे पिला माने इंडिया ना क्लियर G20 रो ग्रुप ऑफ 20 जो कि कौन तार प्रेसिडेंसी भार ग्रहण कर पे बुझिपार ऑल क्लियर चलो वेरी गुड एंड तुम समस्त जाच मुझक बार बार भी कही पाने G20 आसला ग्रुप ऑफ 20 आसे पे तुम जाच 19 कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन को लेकिन G20 गठित पे घोषे घोषे तुमको कही क्लियर एंड फाउंडेड होता के 26 सेप्टेम्बर 1999 फाउंडर किए ना G7 हूँ यार फाउंडर पे एंड जी चेयरमैन बर्तमान किए अच्छा ना जोको विडोडो जी के प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया तुम समस्त जाणी रखा दरकार ये क्वेश्चन भी एग्जाम बनी पारे पे ठीक अच्छे क्लियर वेरी गुड बहुत बड़ा क्वेश्चन बनी पारे आ पूर्व पे जब कह इंडिया पूर्व प्रेसिडेंसी मैंने क्या पाखे ना इंडोनेशिया पाखे थी एंड आम जब कह बर्तमान इंडोनेशिया टू प्रेसिडेंसी भार मीन प्रेसिडेंट भार ग्रहण कर किए ना इंडिया ग्रहण कर एंड तार जब थीम कौन आसे ना 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर ये क्वेश्चन मतलब तुम एक्जाम गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनी पारे तो कदापि ये क्वेश्चन को मैं भूलिनि पे एंड जदि कह G20 ग्रुप ऑफ 20 19 कंट्री यूरोपियन यूनियन को लेकिन G20 गठित पे बार बार आम डिस्कसन करे 26 सेप्टेम्बर 1999 G20 फाउंडेड होता ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज को G7 मेंबर्स को लेकिन G20 फॉर्मेशन होता पे क्वेश्चन आसला ना 3 डेज लॉन्ग इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ओके तीन दिनिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को पे कौ स्टेट स्टार्ट कराई कौ स्टेट ऑर्गेनाइज करनिदिनिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ओके द 3 डे लॉन्ग इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बिगिन इन व्हिच स्टेट इन November 2022 तो November 2022 पे कौ स्टेट आम जब कहनिदिनिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ऑर्गेनाइज कराई पे तुम समस्त क्वेश्चन को भी कनसेट्रेट करके शुणा दरकार तो कौ जगह ना मिजोराम पे ओके
The 3-day long international tourism mart began in Mizoram. Okay, 17 November 2022, jeta ke ame koiba gatokali clear indirect count ba ame koiba Mizoram re pila mane tumhe samasta concentrate kariki suna dorkar 3 diniya international tourism mart ko organize karai aitla pila mane. Okay, and tu jani rakha dorkar e jo tourism mart so je 10th edition wala tourism mart pila mane and kaha dara organize karai aichi na ministry of tourism and state tourism department dara. Okay, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड स्टेट मिजोरम रो स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा पिला माने जो इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ऑर्गेनाइज कराइस पिला माने डाउट क्लियर आर मेन ऑब्जेक्टिव कोन पिला माने आर मेन ऑब्जेक्टिव कोन एग्जाम द क्वेश्चंस मते बनि पारे इट इज एम्ड एट हाइलाइटिंग द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रो टूरिज्म को और भी कोन करे पई ना स्प्रेड करबा पई ओके एंड सेति पई पिला माने जदी कहिबा टूरिज्म इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करिछि कारो माने जदी कहिबा पिला माने का सहित मिसिकी ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सहित मिसिकी पिला माने ऑल क्लियर पिला माने जदी हम मिजोरम कथा नबा मिजोरम तुम समस्त जानिछो गोटे नॉर्थ ईस्ट स्टेट अस बा नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट अस पिला माने एंड मु बार बार तुमानो कोइछि कैपिटल अस लॉयजुअल अस एंड जो चीफ मिनिस्टर नबा जानिछो जोराम ठांगा जे कि चीफ मिनिस्टर अछंती गवर्नर जदी नबा हरिबाबू कंपंपति जे कि तारो गवर्नर अछंती पिला माने क्लियर एंड मिजोरम रो जदी एक्चुअल मीनिंग नबा पिला माने क्वेश्चंस को भी टिक्की कंसंट्रेट करियो सा दरकार द पछरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिजोरम मिजोरम रो मीनिंग होच पिला माने ए क्वेश्चन दा गुडे मु प्रैक्टिस सेट रे देखि दिली तो सेति पे ए क्वेश्चन को भी रख दे छी लेंथ ऑफ मिजो लेंथ ऑफ द मिजो जेला के हम कहबा मिजोरम रो तार मीनिंग आसे पिला माने जदी एग्जाम रे क्वेश्चन आसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिजोरम तो मिजोरम रो मीनिंग जदी कहबा पिला माने मिजोरम रो मीनिंग होच कोन ना लैंड ऑफ मिजो एटा बडे प्रैक्टिस सेट रे क्वेश्चन दा देखितली पिला माने से पई क्वेश्चंस को मते आजि रखि दिछि डाउट क्लियर बुझी पारिलो वेरी गुड बहुत बडे पिला माने तो ए क्वेश्चंस मते एग्जाम पई बनि पारे तो कैपिटल एजुअल आसे चीफ मिनिस्टर में जदी कहबा जोराम ठांगा एंड जदी गवर्नर आसंदी डॉक्टर हरिबाबू राम कंपंपति आसंदी एंड मिजोरम जदी कहबा पिला माने गोटे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट आसे पिला माने मिजोरम दा ठीक अछि एंड हम वर्तमान डिस्कशन करले ना 3 दिनिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को स्टेट ऑर्गेनाइज कराइ छि ना मिजोरम स्टेट ऑर्गेनाइज कराइ छि पिला माने ऑल क्लियर पिला माने बुझी पारिलो नेक्स्ट इबा पिला माने तुमे समझ जानि छौ अड्डा स्टोर रे लक्ष्य बेच अछि तुमे जदी ओएसएससी सीजीएल पै प्रिपरेशन करू छौ ताले पिला सब बेस्ट क्लासेस पाय पै चाहौ छौ एंड मेन एंड प्रीलिम एंड मेन एग्जाम को क्रैक करिया पै चाहौ छौ लक्ष्य बेच को एनरोल करो मु प्रोमो कोड यूज करिया पै जमा भूलिबनी Y281 जे कोनसी बेच को एनरोल करू छौ पिला माने सिंपल तुमको प्रोमो कोड यूज करिवार अछि Y281 Y281 ई प्रोमो कोड के यूज कर तुमान समस्ते बेच को एनरोल करो पिला जे कोनसी बेच आ सब बुक का सु टेसरी जा सी बुक का सु जहां भी एनरोल करिवार अछि अड्डा स्टोर सिंगल प्रोमो कोड Y281 प्रोमो कोड यूज करिवार जमा भूलिबनी एंड ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक रो मते प्राइस बढ़ी आउछ पिला माने तो ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक रो प्राइस बढ़िया पूर्व जदि एनरोल करे पय चाहौ छ Y281 यूज करके तुम ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक एनरोल करो एंड तुमको मु बार बार कहू छी जति के ऑनगोइंग कोर्सेस अछि पिला माने जति के अपकमिंग कोर्सेस हम प्लान करै छु सब ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक तो माने पाउ छ क्लियर आगु को बढ़िया पिला माने अरे बाबा कंसंट्रेट करके सुनो टॉपिक रे पिक्चर जमा कंसंट्रेट करो नहीं अच्छा मते कहिलो पिला माने एटा बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब नबा कदापि क्वेश्चंस को भूली माने मु बार बार तुमानो कहू जो क्वेश्चंस डिस्कशन करू छी तक नोट डाउन करो नले मन रखिया पई चेष्टा करो सीएम ऑफ पुई स्टेट हैज लॉन्च्ड मिलेट मिशन टू एक्सपांड एंड इंक्रीज द मिलेट कल्टीवेशन अक्रॉस द स्टेट पिला माने को स्टेट गवर्नमेंट मिलेट मिशन को वर्तमान स्टार्ट करी छी तो को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हमें जदि कहबा वर्तमान मिलेट मिशन को स्टार्ट कराई हु कैन से तो को स्टेट गवर्नमेंट वर्तमान कोन कर छै ना मिलेट रो कल्टीवेशन को बढ़ाएबा पई पिला माने तो मिलेट मिशन को स्टार्ट करी छी जल्दी कहबा देखा फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन पिला ने यस इसक माझी महापैक रे इंक्लूड अछि ओएसएससी सीजीएलआरई जो बेच लक्ष्य बेच महापैक रे इंक्लूड अछि जदि चाहौ छ महापैक एनरोल करै पई आज ही Y281 प्रोमो कोड यूज करी महापैक एनरोल करो ओके यस तो पिला माने पछला को स्टेट गवर्नमेंट जेके हम कह मिलेट मिशन को लॉन्च करी छी एक्सपांड एंड इंक्रीज ऑफ मिलेट कल्टीवेशन अक्रॉस द स्टेट स्टेट रे मिलेट रो कल्टीवेशन को बढ़ाइबा पई पिला माने को स्टेट गवर्नमेंट मिलेट मिशन को लॉन्च करी छी तो पिला माने तुम मन रखिया दरकार आसाम स्टेट गवर्नमेंट पिला माने वर्तमान कोन करी छी ना मिलेट मिशन को लॉन्च करी छी पिला माने बुझी पारिलो विथ ए व्यू ऑफ एक्सपांडिंग इंक्रीजिंग मिलेट कल्टीवेशन अक्रॉस द आसाम आसाम स्टेट रे मिलेट रो कल्टीवेशन को बढ़ाइबा पई पिला माने सीएम जे कि हिमंत विश्व शर्मा आछंती तो पिला माने मिलेट मिशन को लॉन्च करी छन पिला माने बुझी पारिलो ऑल क्लियर तो आसाम वर्तमान कोन करिसि ना मिलेट मिशन को स्टार्ट करिसि पिला माने मु बार बार तुमानो कोइथिले एग्जाम पई पक्का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनि पारे कंसंट्रेट करिके सुनिया दरकार पिला माने तो जानिछो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट जदि कहो वर्ल्ड रो जदि कहबा लीडिंग प्रोड्यूसर वर्तमान के बनि जाइछि मिलेट रो ना से होछि इंडिया ना वर्ल्ड रे टोटल जति के जो हम कहबा पिला प्रोडक्शन होछि मिलेट रो पाखा पाखी 41% मिलेट पिला माने इंडिया रो मिले बार बार मु तुमानो को ए क्वेश्चंस मध्य डिस्कशन करैछि पिला माने
ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ନା ଫାଷ୍ଟ ଥର୍ସଡେ ମାର୍ଗଶୀର ମନ୍ଥ ମାର୍ଗଶୀର ମନ୍ଥର ଫାଷ୍ଟ ଥର୍ସଡେକୁ ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମିଲେଟ୍ ଡେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ ଆମେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ବାରବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ଡେକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା କାହାକୁ ନା ମିଲେଟ୍ର କଲ୍ଟିଭେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଆର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା 2017-18 ପିଲାମାନେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ କହିବା 30 ବ୍ଲକ ଆଉ 7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ 142 ବ୍ଲକ ଏଣ୍ଡ 19 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଓକେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା 2017-18 ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନା ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ବନିପାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଡେ ଯାହାକି ମିଲେଟ୍ ଡେ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି କେବେ ନା ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ପ୍ରଥମ ଥର୍ସଡେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲା ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନିପାରେ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 2017-18 ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆସାମ କଥା କହିବି ଟିକେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆସାମ ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ରିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସାମ ଟି ତୁମେ ଜାଣିଛ ବହୁତ ଫେମସ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆସେ ଦିସପୁର ଆସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି ନେବା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ଯିଏ ଆସାମର ସିଏମ୍ ଆସନ୍ତି ଆସାମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯଦି ନେବା ଆସାମିଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଲେ ମନେ ରଖିଥାଏ ପ୍ରଫେସର ଜଗଦୀଶ ମୁଖୀ ଯିଏକି ଆସାମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରବାର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ମନେ ରହିଲା ଇଏ ସନ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଥିଲା ତ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସାମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ମିଲେଟ୍ର କଲ୍ଟିଭେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ଆର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଲଡ ଯଦି କହିବା ମିଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଟୋଟାଲ 41% ଇଣ୍ଡିଆରୁ ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା 17-18 ବାରବାର ଘୋଷେଇ ଘୋଷେଇ କହୁଛି କଦାପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଭୁଲିବନି ମାଣ୍ଡିଆ ଡେ ବା ମିଲେଟ୍ ଡେ କଥା ଆସିବା ନଭେମ୍ବର 10 ମାର୍ଗଶୀର ଫାଷ୍ଟ ଥର୍ସଡେ ୟେସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆସାମ ଆସାମର ଯଦି କହିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଦିସପୁର କ୍ୟାପିଟାଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିବା ଜଗଦୀଶ ମୁଖୀ ଏଣ୍ଡ ଆସାମିଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଆସାମର ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସେ କ'ଣ ଆସାମିଜ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିପାରେ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ସ୍ପେସ୍ ରେଗୁଲେଟର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ 16 November 2022 ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଦ ଲଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରକେଟ୍ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସ୍ ରେଗୁଲେଟର ଏଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ 16 November 2022 ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚକୁ ପିଲାମାନେ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛି ତ ପଚାରିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରକେଟ୍ର ନାଁ କ'ଣ ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରକେଟ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କଦାପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଭୁଲିବନି ସେ ହେଉଛି ବିକ୍ରମେଶ ବିକ୍ରମେଶ ତୁମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିପାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପେସ୍ ରେଗୁଲେଟର ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସ୍ ରେଗୁଲେଟର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦାଟ୍ ଇସ୍ କଲ୍ଡ ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ ପିଲାମାନେ 16 November 2022 ଅଥରାଇଜ୍ ଦ ଲଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରକେଟ୍ ବିକ୍ରମେଶ ତ ପିଲାମାନେ ବିକ୍ରମେଶ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କ୍ଲିୟର ବିକ୍ରମେଶ ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛି କି ନା ଆମେ କହିବା ଇନ୍ସ୍ପେସ୍ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସ୍କାଏ ରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ବା ଆମେ କହିବା ଏଇ ରକେଟ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଭେହିକଲ୍ ସ୍କାଏ ରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ଏଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ କେଉଁଠି ନା 57 ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଇସ୍ରୋରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା 57 ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି ହେଉଛି 18 November ଏଣ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲିୟର ସ୍ପେସ୍ ଭେହିକଲ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ତ ସ୍ପେସ୍ ଭେହିକଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମେଶ ଏଣ୍ଡ ଆଜି ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଭେହିକଲ୍ ବିକ୍ରମେଶକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ କ୍ଲିୟର ସ୍କାଏ ରୁଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏମ୍ଓୟୁ ୱିଥ୍ ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚିଂ ଇଟ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ରକେଟ୍ ସ୍କାଏ ରୁଟ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଆମେ କହିବା କ୍ଲିୟର ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି କାହା ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ କରିକି ନା ଇସ୍ରୋ ସହିତ ଏମ୍ଓୟୁ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କାଏ ରୁଟ୍ ଉପରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ବିକ୍ରମେଶକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି ପିଲାମାନେ ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ପକ୍କା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନିପାରେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଶା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ
ପିଲାମାନେ ଯଦି ଇସ୍ରୋ କଥା କହିବା ବୋଧେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାଇ ହାର୍ଟ କରିଥିବ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ରୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ନୋ ଇସ୍ରୋ ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିରଖା ଦରକାର ଯଦି କହିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆସେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ଜାଣିରଖା ଦରକାର ଇସ୍ରୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ରକେଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସୋମନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋର ଚିଫ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ବାର ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଇସ୍ରୋର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ବେଙ୍ଗଲୁରୁରେ ଅଛି ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଇସ୍ରୋର ନା ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର ଆସନ୍ତି କେବେ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇଥିଲେ ନା 15 ଅଗଷ୍ଟ 1969 ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇସ୍ରୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବନିଗଲେ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବନୁଛନ୍ତି ଏସ୍ ଉନିକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ନାୟାର ଉନିକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ନାୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ବନିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟର ବନିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଜାଣିଛ କେରଳର ପିଲାମାନେ କେରଳର ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମରେ ବିକ୍ରମ ସରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏସ୍ ସୋମନାଥ କାହାକୁ ସକ୍ସିଡ୍ କଲେ ନା କେ ଶିବାନଙ୍କୁ ସକ୍ସିଡ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା କେ ଶିବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରକେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବାର ବାର କହିଛି ରକେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ଶିବାନ ଆଚ୍ଛା ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ କିଏ ଆସନ୍ତି ନା APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ରକେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ କେ ଶିବାନ ଆସନ୍ତି ଆମେ ବାର ବାର ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣା ଦରକାର ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ନା ସ୍କାଏ ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିବା ବିକ୍ରମ ଏସ୍ ଯଦି କହିବା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ସ୍ପେସ୍ ଭେହିକଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କରିବ କି ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ନା ବିକ୍ରମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ 37 ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ କେବେ 18 ନଭେମ୍ବର ମିନ୍ସ ଆଜି ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ପିଲାମାନେ ତ ଆଶା କରିବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରଫେକ୍ଟଲି ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ତ କେଉଁ ଦିନକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ତ ପିଲାମାନେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭ ଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ଆନୁଆଲି ଟୁ ଏନ୍ସୋର୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ହିସାବରେ ଆମେ କେବେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହିବେ ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ଯଦି କହିବେ ପିଲାମାନେ କଦାପି ତୁମମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଭୁଲିବନି 17 ନଭେମ୍ବରକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଡେ କଥା କହି ରଖେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଶୁଣା ଦରକାର ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା 15 ଅକ୍ଟୋବରରେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରିଛେ କ୍ଲିୟର କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷରେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ବାର୍ଥଡେକୁ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି ୟେସ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେକୁ 17 ନଭେମ୍ବର ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ତାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ସିଓର ଦାଟ୍ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନ୍ସ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ହେଉଛି ଆର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବନିପାରେ ଜମାରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଭୁଲିବନି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ନଭେମ୍ବର 17 ଆସେ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ତ ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ଯାହାକି ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର 15 ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିଥିବା ଦରକାର ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଡକ୍ଟର ଭିଜି ସୋମାନୀ ଯିଏକି ପିଲାମାନେ ଭିଜି ସୋମାନୀ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭିଜି ସୋମାନୀ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତ ଭିଜି ସୋମାନୀ ଯିଏ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ କେତେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆମେ କହିବା 3 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖା ଦରକାର ହି ୱାଜ୍ ଏର୍ଲିୟର ଗିଭେନ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 2022 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ବଢା ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 3 ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ବଢା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ତ ଯଦି କହିବା ଡକ୍ଟର ସୋମାନୀ ଯିଏକି ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କେବେ ନା ଅଗଷ୍ଟ 14, 2019 3 ଇୟର୍ ପାଇଁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ବଢା ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା 3 ମାସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯଦି କହିବା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି ଡ୍ରଗ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ CDSCO ଯିଏକି ହେଡ୍ ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ କାହାର ହେଡ୍ ରୁହନ୍ତି CDSCO CDSCO ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡ୍ରଗ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାହାର ହେଡ୍ ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କି ନା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିଜି ସୋମାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ କ'ଣ ନା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ କି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ଓମେନ୍ କ୍ଲିୟର
चेयरपर्सन जी थिले ओके ऑन 16 नवंबर 2022 लॉन्च्ड फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन पिला माने 16 नवंबर 2022 रे पिला माने फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन को लॉन्च कराई छी तो पछेरिला कहा द्वारा पिला माने आपको लॉन्च कराई छी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन जे कि थिले त तो ना कहिबो जहा द्वारा कि 16 नवंबर 2022 रे पिला माने फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन को कोन कराई छी ना लॉन्च कराई छी तो समस्त मन रखा दरकार जदि कहिबा नेशनल कमिशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन बर्तन किए अच्छा रेखा शर्मा अच्छा कदापि क्वेश्चन को भूलिवे पिला माने नेशनल कमिशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन से रेखा शर्मा 16 नवंबर 2022 रे पिला माने फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन को रेखा शर्मा को द्वारा लॉन्च कराई पिला माने बुझी पारिलो ऑल क्लियर पिला माने वेरी गुड जदि कहिबा डिजिटल शक्ति कैंपेन को पिला माने 2018 मसिया रे लॉन्च कराई थिला पिला माने ठीक अछि क्लियर एंड नेशनल कमिशन फॉर वुमेन कथा दी कहिबा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 1992 रे फाउंडेड हेथला पिला माने हेडक्वार्टर अछि न्यू दिल्ली रे फर्स्ट चेयरपर्सन जदि कहिबा जयंती पटनायक जे कि फर्स्ट चेयरपर्सन आसंदी करंट चेयरपर्सन अछि कि ना रेखा शर्मा एंड रेखा शर्मा को द्वारा जदि कहिबा पिला माने क्लियर ना 16 नवंबर 2022 रे डिजिटल शक्ति कैंपेन रो फोर्थ फेज को लॉन्च कराइ छ तासा करबे ए क्वेश्चंस को मते तुम समस्त परफेक्टली मन रखतिबो ऑल क्लियर पिला माने बुझी पारिलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के कहिबो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पिला माने कहि परिबो कि एथलेटिक कमीशन जदि कहिबा एथलेटिक्स कमीशन रो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो एथलेटिक्स कमीशन रो जदि कहिबा पिला माने क्लियर चेयरपर्सन की अपॉइंटेड नु कैन से देखा फर्स्ट आंसर के कहउछन जल्दी आंसर के देखा फर्स्ट आंसर के कहउछन फटाफट आंसर कहबे पिला माने जदि कहबो क्वेश्चन कोन देला पिला माने क्वेश्चन देला हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एथलेटिक कमिशन्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलेटिक कमिशन रो जदि कहबा चेयरपर्सन हिसाब रे काहा के अपॉइंट कराई छी त समस्त कंसंट्रेट करिके सुनै दरकार पिला माने की अपॉइंटेशन मैरी कॉम ओके सिक्स टाइम वर्ल्ड चैंपियन यू ऑल नो अबाउट मैरी कॉम तुम मैरी कॉम को विषय समझ जानि छ जे की सिक्स टाइम वर्ल्ड जदि वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन पिला माने क्लियर वर्तमान जदि कहबा मैरी कॉम को कोन कराई छी एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट कराई छी ओके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो एथलेटिक्स कमिशन ओके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो जे के एथलेटिक्स कमिशन चेयरपर्सन के बनै छथि एमसी मारिकम जे कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन पिला माने डाउट क्लियर बुझि पाललो एंड जदि के वाइस चेयरपर्सन पोजीशन जदि वाइस चेयरपर्सन दायित्व का मिलि छ ना शरद कमल को पिला माने वाइस चेयरपर्सन पोजीशन मिलि छ जे कि पिला माने वर्तमान खेल रत्न अवार्ड मध्ये पाइले पिला माने ऑल क्लियर बुझि पारिलो यस तो मु जदि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कथा दि कहिबि तुमे समस्त कंसंट्रेट करिके सुना दरकार एमसी मारिकम पीपी सिंधु मीराबाई चानू गगन नारंग जदि कहिबा एमानक सहित 10 जे टोटल 10 जण स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बा कहिबा 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 10 जण स्पोर्ट्स पर्सन को इलेक्ट करितला से 10 जण स्पोर्ट्स पर्सन होछन मारिकम पीपी सिंधु मीराबाई चानू गगन नारंग जदि कहिबा पिला माने शिव केशवन नेक्स्ट कहिबा शरद कमल एंड रानी रंपल जदि कहिबा पिला भवानी देवी एंड आम जी कह ना बजरंग लाल ये पिला माने तुम समस्त कंसंट्रेट करके सुना ये 10 जन स्पोर्ट्स पर्सन 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन इलेक्ट होते एज ए मेंबर ऑफ कौन ना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो एथलेटिक कमिशन रो एज ए मेंबर हिसाब से इलेक्ट होते बट वर्तमान आज जो क्वेश्चन आसिक पहुंची ना 6 टाइम जी वर्ल्ड चंपियन से वुमेन्स बॉक्सिंग चंपियन जी कौन कौन ना एमसी मारिकम को बर्तमान कौन कर ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रो एथलेटिक्स कमिशन अच्छे तार चेयरपर्सन हिसाब से अपॉइंट कर वाइस चेयरपर्सन बनले किए ना शरद कमल करेंगे पिला माने मु तमानु को आउरी भी किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहि रखे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जार की प्रेसिडेंट असन पिला माने आदिले सुमारी वाला फाउंडेड हेतला 1927 रे हेडक्वार्टर को जगह अछि नाम कहबा न्यू दिल्ली रे अछि पिला माने तार सेक्रेटरी जनरल के अछि ना राजीव मेहता ए क्वेश्चंस मते एग्जाम रे बनि पारे तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऊपर मु डिस्कशन कर रखे फाउंडेड हेतला 1927 रे प्रेसिडेंट अछि प्रेसिडेंट के अछि आदिले सुमारी वाला अछि पिला माने हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली असन सेक्रेटरी जदि सेक्रेटरी जनरल जदि कहबा राजीव मेहता जी के सेक्रेटरी जनरल अछि ऑल क्लियर बुझी पारिलो ना पिला माने ए क्वेश्चंस मते एग्जाम पई पक्का बनि पारे पिला माने बार बार तुमानु कोची जोटा इंपोर्टेंट रहौछि सेटा मो सेशन रे आजिनो सब दिन क्लासेस अटेंड कर एमिति ईच एंड एवरी डे मु तुमानु को पई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नै के आसे में डिस्कशन करबी अच्छा पिला माने तुमे जानिछो गीता महोत्सव कथा इंटरनेशनल गीता महोत्सव को मध्य ऑर्गेनाइज करा जइबो 19 नवंबर रे पिला माने 19 नवंबर
19 November to 6 December पर्यंत पिला माने हरियाणा रे इंटरनेशनल गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज करा जिवो। तो क्वेश्चन कोन आसला इंटरनेशनल गीता महोत्सव रो जो ऑर्गेनाइज करा जिवो 19 नवंबर डिसेंबर 6 तारीख पर्यंत हरियाणा रो को डिस्ट्रिक्ट रे पिला माने इंटरनेशनल गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज करा जिवो। हु कैन से इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर टू 6 दिसंबर 2022 इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा हरियाणा रो को डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज करा जिवो। तो पिला माने तुम समस्त मन रखा दरकार हरियाणा रो जो कुरुक्षेत्र अछि तो कुरुक्षेत्र रे पिला माने कोन ना इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज करा जिवो जार कि गीता महोत्सव स्टार्ट होछ 19 नवंबर रे अप टू 6 दिसंबर पर्यंत ई जो गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज करा जिवो पिला माने बुझि पारिलो। एंड जदी कोई बात चीफ गेस्ट हिसाब रे की अटेंड करू छथि ना प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू क्लियर हम ओडिसा जी द्रौपदी मुर्मू जे कि पिला माने फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हमें कहबा। तो द्रौपदी मुर्मू एज गेस्ट हिसाब से अटेंड कर पिला माने एंड तुम जानि रखा दरकार इंटरनेशनल गीता महोत्सव को हरियाणा रो कुरुक्षेत्र रे ऑर्गेनाइज करा जिवो पिला माने हरियाणा कैपिटल आसले मन रखा चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर आसले मनोहरलाल खट्टर आसंती गवर्नर आसले के आसंती ना बंदारू दत्तात्रेय जी हरियाणा रो गवर्नर आसंती पिला माने बुझि पारिलो। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अच्छा तुम कहि पारिबो कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तार नाम को वर्तमान परिवर्तन करिछि तो न्यू नेम टा कोन पिला माने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन नेम्ड एज ए नेम तार नाम को चेंज करिछि वर्तमान तार न्यू नेम कोन आसी पिला माने हु कैन से पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन तार नाम को वर्तमान परिवर्तन करिछि एंड तार न्यू नेम कोन आसी पिला माने हु कैन से देखिया फर्स्ट आंसर के कहउछन्ती पावर कंट्रोलर ऑफ इंडिया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर ऑफ इंडिया वन ऑफ दिस। तो पिला माने तुम्हें समस्त मन रखा दरकार पावर सिस्टम जदि कहबा ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पिला माने ता नाम को परिवर्तन करिछि ता न्यू नेम कोन आसी ना ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया जेके हम कहबा बी ऑप्शन हमर करेक्ट आंसर हबो। ओके बुझि पारिलो। जदि कहबा इंडियास नेशनल ग्रिड ऑपरेटर जे कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तुम्हें समस्त मन रखा दरकार पिला माने वर्तमान ता नाम को परिवर्तन करिकि कोन करिछि ना ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान से करिछि पिला माने क्लियर। जदि कहबा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्लियर तार चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के थिले एसआर नरसिम्हन थिले फाउंडेड हेतला केबे मार्च 2009 रे हेडक्वार्टर को जगह थिला न्यू दिल्ली थिला वर्तमान ता नाम को परिवर्तन करि कोन करैछि ना ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्तमान करैछि बुझि पारिलो पिला माने क्लियर। आज ही तुमन पई 13 टा क्वेश्चन थिला एंड तुमानों को कह रखे 13 टा क्वेश्चंस तुमानों से तो अथे डिस्कशन कर रखे स्टार्टिंग अथे डी हमें ओवरली डिस्कशन कर दबा। फर्स्ट क्वेश्चन आज कौन थिला ना फर्स्ट क्वेश्चन थिला पचारीला जो कि हमें कहे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रो एथलेटिक्स कमिशन रो एज ए मेंबर हिसाब की इलेक्टेड छथि ना अचंत शरत कमल हमें डिस्कशन कले पिला माने। नेक्स्ट जदि कहबा 26 एडिशन मालाबार एक्सरसाइज था जदि कहबा कोको कंट्री तर ऑर्गेनाइज करता इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस भितर फ्रांस पार्टिसिपेट करि नथला। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा इंडिया वर्तमान के बनचोंती तमे जानि रखा दरकार संध्या देवनाथन जे कि वाइस प्रेसिडेंट बनिसन बा मेटा इंडिया हेड बनिसन पिला माने। नेक्स्ट हम डिस्कशन करले G20 रो प्रेसिडेंसी जे इंडिया को मिलिबो तारो थीम कोन रहउची 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर रहउची ता थीमटा। नेक्स्ट जदि कहबा इंटरनेशनल टूरिज्म मार्थ को स्टेट ऑर्गेनाइज करैतला मिजोरम रो ऑर्गेनाइज करैतला पिला माने। नेक्स्ट जे हम डिस्कशन करथिले नेक्स्ट हमर क्वेश्चन थिला कंसंट्रेट करिके सुनिबा दरकार यस जदि कहबा मिलेट मिशन को स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करिछ आसाम स्टेट गवर्नमेंट मिलेट मिशन को लॉन्च करिछ जदि ओडिसा स्टेट गवर्नमेंट कथा नबा ऑलरेडी 2017-18 रे ओडिसा मिलेट मिशन को स्टार्ट करिथिला पिला माने। नेक्स्ट हम डिस्कशन करले इन स्पेस ऑथराइजेशन देछि पिला माने अंडर ऑफ फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट को एंड से प्राइवेट सेक्टर रॉकेट ना कोन था विक्रम एस थला कहा द्वारा डेवलप कराइछ ना स्काई रूट द्वारा डेवलप कराइछ पिला माने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स से यदि क्वेश्चन आसला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हम केबे ऑब्जर्व करछ ना 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट डे को ऑब्जर्व करिछ पिला माने। जदि कहबा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को टाइम पीरियड 3 मास बढाइ छि सोचन बिजी समानी पिला माने जानि रखा दरकार। जदि कहबा नेशनल कमिशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन जे कि पिला माने 16 नवंबर 2022 रे फोर्थ फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन को लॉन्च करथिले तो नेशनल कमिशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन के छन रेखा शर्मा एडा मते हम डिस्कशन करले। एथलेटिक कमिशन जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलेटिक कमिशन चेयरपर्सन के बनथले ना एमसी मैरिकम पिला माने एडा मते हम डिस्कशन करले। ता सुद हम डिस्कशन करले 19 नवंबर टू 6 दिसंबर पर्यंत इंटरनेशनल गीता महोत्सव ऑर्गेनाइज करा जिवो तुम जान रखते हरियाणा रो कुरुक्षेत्र ऑर्गेनाइज करा जिवो पिला माने। नेक्स्ट हम डिस्कशन करले पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ता नाक वर्तन परिवर्तन करिस ना वर्तन कोनैछि ना ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो पिला माने प्रीवियस क्लासेस रे मु तुमानको किछि क्वेश्चन पचारीथिलि तुमे से क्वेश्चन आंसर उडाको क्लियर ना कमेंट सेक्शन रे कहिथिलो पिला माने ये तुमरो 17 नवंबर क्वेश्चन पिला माने 16 नवंबर तमो यो तुम मानवर 17 नवंबर क्वेश्चन से तुम समस्त करेक्ट आंसर उडाको कहिथिलो मु तुमानको कहि रखे जो छुआ माने करेक्ट आंसर दार कहिथिले। तो ये होछ पिला 17 नवंबर 16 नो 17 रो। ओके क्लियर। तो
तो पिला माने मु कहि रखे प्रीवियस क्लासेस ऑफ क्वेश्चन कोन थला एंड को छो माने को स्टूडेंट मान तर करेक्ट आंसर कहि छथि समान को ना गुडा को मध्य मु त मानु को कहि रखे यस तो पिला माने मु पचारी थली 17th G20 समिट बिगिंस इन डेज तो को जगह रे 17तम G20 समिट को ऑर्गेनाइज कराय थला जानि छ बाली इंडोनेशिया रे पिला माने नेक्स्ट जदी पचारीला खेल रत्न अवार्ड कथा पचारी छी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा को मिलितला अचंत शरद कमल को पिला माने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलितला ब्राजिलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कथा दि कहबा पिला माने जॉर्ज रसेल जे कि ब्राजिलियन ग्रैंड प्रिक्स रो विनर थिले नेक्स्ट जदी हमें कहबा 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट रे पिला माने जदी कहबा क्लियर कहा को गोल्ड मेडल मिलितला त समस्त कंसंट्रेट करिक सुना दरकार कहा को नाम कहबा अर्जुन बाबूता एंड मेचुली घोष को मिलितला पिला माने नेक्स्ट जदी हमें डिस्कशन करबा कंसंट्रेट करिक सुना दरकार पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज ना कोन पिला माने ना सी बिगिल 22 जकि कोस्टल एक्सरसाइज थला तो प्रीवियस क्लासेस रो क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन आंसर जो माने देथले समान ना गुडा को मध्ये कह रखे एंड आशा करबी तू सब दिन एमिति क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन आंसर डा को कमेंट सेक्शन रे कहबो फर्स्ट बारिक गुड लिंक आंसर मिलितला अंकिता बिस्वाल अर्पिता गुरु इप्सिता दास सुनीता रोहित लोपामुद्रा संगीता मनीषा सोनाली अंकिता एंड बनयोष्णा रश्मिता सुदर्शन मनीषा दुलारी सुनीता रेबल अनिल अतुल्य शिवशक्ति एंड अंकिता विश्वाल सागर कुमार एंड आशुतोष पाढ़ी क्लियर जो मैंने भी करेक्ट आंसर कही थैंक यू तुम्हें सबुदिन एमती क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन आंसर गुडा कमेंट सेक्शन कह एंड आज जो मैंने मतलब लाइव शुणुच आज क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन आंसर गुडा तुम्हें कमेंट सेक्शन कह आज तुम्हारे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आसी फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे रहा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया रैंक नंबर तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन रोचे सेकंड क्वेश्चन आईथ एडिशन इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज को पिला जो कंडक्ट कराई है ना कौन नेक्स्ट आसला पिला 18th एडिशन 18तम एडिशन इंडिया यूएस जॉइंट एक्सरसाइज ना कौन पचार नेक्स्ट पचारा इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस को हमें केबे ऑब्जर्व करिछे नेक्स्ट पचारा फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग नीति आयोग फुल टाइम मेंबर किए अछंती एंड जदि कहबा वांगला फेस्टिवल पे वांगला नो वांगला फेस्टिवल तो वांगला फेस्टिवल को स्टेट ऑर्गेनाइज कराई छि ये हुछ पिला माने तुमान पे आजर क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन आशा करबी तुम समस्त ए क्वेश्चन आंसर डा कमेंट सेक्शन रे कहबा आफ्टर क्लास क्लास पर जो कमेंट सेक्शन तुमान समस्त आज क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन आंसर डा कहबो एंड पिला माने जदि तुम चाहुचो एमिति धमाकेदार सेशन पेड पेज रे पाइबा पई ओएससी सीजीएल एग्जाम को भी क्रैक करिया पई तुम लक्ष्य बेच को एनरोल करो Y21 प्रोमो कोड यूज करिया पई जमा भूलिबनि पिला माने पराक्रम बेच फॉर जेल वार्डर और ओडिशा पुलिस एसआई वाल्मीकि पई जदि कहबा वाल्मीकि जडा कि पीओ पई पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पई एकलव्य डब्ल्यू वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर पई शक्ति फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ओडिया व्याकरण बुकासु रुद्राक्ष कंप्लीट फाउंडेशन बेच सार्थक स्पेशल बेच फॉर हाई स्कूल टीचर ओडिया स्टेट एग्जाम मापेक जे कोनसी बेच को एनरोल करूछ Y21 Y28 माने प्रोमो कोड यूज करिया पई जमा भूलिबनि ओडिया स्टेट एग्जाम मापेक रे पिला माने ऑनगोइंग सहित अपकमिंग सब कोर्सेस पाउछ एंड ओडिया स्टेट एग्जाम मापेक रो प्राइस मध्ये बढ़िया पई जाउछ जदी ओडिया स्टेट एग्जाम मापेक को एनरोल करे पई चाहौछ Y28 यूज करे पई जमा भूलिबनि यस पिला माने सिलेक्शन फैक्ट्री ऑफ इंडिया फॉर फ्लैट 17% डिस्काउंट मिलुछ त प्रोमो कोड यूज करछ Y28 सेशन को लाइक करो एंड सेशन को शेयर करो वैल्यूएबल कमेंट्स दियो खास करी क्वेश्चन ऑफ द डे रो क्वेश्चन आंसर डा कमेंट सेक्शन रे कहबो सब्सक्राइब जदी करनो सब्सक्राइब करो लव यू पिला माने एमिति तुम सपोर्ट तुम भल पाइबा मिलवा दरकार एंड तुम सपोर्ट पाई पिला माने आगो को बढ़ी चली छी एंड आगो को भी चली भी आउरी भी आगो को बहुत आगो को मते भी जीवार अछि एंड तुम सपोर्ट मते दरकार विदाउट योर सपोर्ट किछि भी आगो को बढ़ी पारिबनी तुम सपोर्ट दरकार तुम भल पाया दरकार लिंक को तुम सांग मानक सहित शेयर कर जो माने भी ओएसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक करिया पई चाहौछन जार कि ड्रीम अछि ओएसएससी सीजीएल एग्जाम मु तुमान सहित अछि पिला माने मु मोर सपोर्ट बेस्ट एफर्ट देबी सपोर्ट हर बच्चा बच्चा क्वेश्चंस नै के आसीबी तुमान सहित डिस्कशन करबी एंड आशा भी करी तुम्हें बहुत शीघ्र सक्सेस पाओ लव यू ऑल हैव अ ग्रेट डे एमिति जो सहित क्लासेस करो ईच एंड एवरी क्लासेस रो क्वेश्चंस को नोट डाउन करो एंड तुम ओएसएससी सीजीएल एग्जाम को पक्का करो प्लान थैंक यू लव यू पिला माने हैव अ ग्रेट डे